दिल्ली शहर में रवीना और काजल नाम की सास बहू रहते थे। ये दोनों ही बड़े चालाक और कंजूस किस्म की औरतें हैं। इन्हें जो भी सामान अच्छा लगता है ये उसे जल्दी से चुरा लेती थी। इन दोनों सास बहू की बिल्कुल भी नहीं बनती थी, लेकिन जहाँ बात चोरी की आती थी वहाँ ये दोनों एक दूसरे की माँ थी। सुबह सुबह काजल का पति अभिषेक तैयार होकर ऑफिस जा रहा होता है। ए जी, सुनते हो, पैसे दे दो, राशन का सामान खत्म हो गया है, वही लेकर आना है। ये लो 5,000 रुपए, इतने में हो जाएगा ना? हाँ जी, आराम से। अच्छा चलो, मेरा टिफिन दे दो, मुझे बहुत देर हो रही है। जी यही रुकिए, अभी लेकर आई। ऐसा कहकर काजल रसोई में जाती है और अभिषेक का डब्बा लेके आती है। ये लीजिए जी। अभिषेक टिफिन लेके वहाँ से चला जाता है। तभी सास सोफे पर बैठकर मैगजीन पढ़ रही होती है। तभी पड़ोसन वहाँ आ जाती है। अरे ओ रवीना बहन, कैसी हो? हम कहे बहुत दिन हुई गवा, तुमसे मिले नहीं, चलो आज मिलावत है। हाँ हाँ, आओ बैठो बहन, और बताओ कैसी हो? बहुत दिनों से मोहल्ले में दिखाई भी नहीं दी तुम, क्या बात है? बहन रुबीना, वो ऐसा है ना कि हम अमेरिका गए थे अपने पिटवा पोतों से मिले खातिर, ये वजह से हम यह दिखाई न दिए। तो अमेरिका से कुछ लाई या खाली हाथी चली आई? लाई है ना, हमारे बिटवा ने हमें वह सोने की चेन गिफ्ट की है, ये देखो कितनी सुंदर है ना। चेन देखते ही रवीना की आंखें चमचमा गईं। अरे वाह, ये तो काफी सुंदर है, कितने की ली तुमने? बस यही कोई 2,00,000 रुपए की है। और ऐसा सोना तो हमारे पूरे देश में ना ही मिलेगा, ये ब्रांडेड सोने की चेन है। चेन को देखकर रवीना के मन में खूब लालच आता है। अच्छा चलो, अच्छी बात है। वैसे तुम्हें पता है जब तुम मोहल्ले में नहीं थी तो क्या हुआ? वो जो शर्मा जी का बेटा है ना, और पंडिताइन की लड़की। बस फिर क्या, रवीना ने विमला को अपनी बातों के जाल में लपेटा तो 2 घंटे कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। और उसी बीच रवीना ने विमला के गले की चेन पर हाथ साफ कर दिया। चलो बहन, अब मैं चलती हूँ, बहुत समय हो गया मुझे यहाँ बैठे बैठे। अच्छा ठीक है, ऐसे ही आते रहना बहन। विमला के जाने के बाद, माँ जी आपने हाथ साफ किया या नहीं? मेरे हाथ तो साफ ही हैं। मुझे पता है आपने विमला काकी की चेन चुराई है, 50% मुझे भी दो, वरना मैं विमला काकी को बता दूंगी कि आपने ही उनकी चेन चुराई है। अरे मेरी माँ, चुप हो जा, ले लेना आधा हिस्सा, अब खुश? ये हुई ना बात, मेरी प्यारी सासू माँ, आप तो कितनी जल्दी समझ जाती हो। अब तू रहने ही दे, मस्का मत लगा। अच्छा सासू माँ, मैं बाहर जा रही हूँ, वो राशन का सामान लाना है। ऐसा कहकर बहू बाजार चली जाती है। बाजार में दुकानदार से, ओ दुकानदार भैया, ये लो पर्ची, और इसमें जो भी सामान लिखा है वो सब दे दो। ये लो मैडम जी आपका सामान। काजल बिल देखते ही कहती है, अरे ये क्या है, 7,000 का बिल, अरे भैया ये क्या लूट मचा रखी है, कितना महंगा लगाया है सारा सामान तुमने। उसमें जो लिखा है मैंने तो वही दिया है मैडम, अब हमारी क्या गलती है? तो क्या हमारी गलती है, सब डबल रेट लगाए हैं तुमने। ऐसा कहकर काजल दुकानदार से बहस करने लग जाती है। देखो मैडम, लेना है तो लो, नहीं तो दूसरी दुकान देख लो। अच्छा भैया एक काम करो, इसमें से 2,000 का सामान निकाल दो। ऐसा कहकर काजल केवल 5,000 का ही सामान लेती है और वहाँ से निकलकर एक गली में छिपकर देखने लगती है कि दुकानदार कहीं जाए तो बाकी का सामान वो चुपके से चुरा ले। और जैसे ही दुकानदार अपनी दुकान के अंदर किसी काम से जाता है, वैसे ही काजल काउंटर पर रखा बाकी 2,000 रुपए का सामान चुरा के वहाँ से जल्दी से रफू चक्कर हो जाती है। काजल के घर में घुसते ही उसकी सास कहती है, आज क्या चुराया बहू तूने? माजी मैंने चुराया नहीं, बचाया है, आज पूरे 2,000 रुपए की बचत की है मैंने। हाँ बहू रानी, वो तो मैंने भी जिंदगी भर बचाया है, और अब तुम भी बचा रही हो, मुझे अच्छे से पता है, मुझे मत सिखाओ। जब पता है तो क्यों पूछती हो माँ जी? अच्छा चलो कोई बात नहीं, 2,000 की बचत की खुशी में
₹20 की तो चाय पी ही सकते हैं ना। 20 की कैसे? अरे एक कप आपकी एक मेरी हुई तो हुए ना ₹20। ऐसा कहकर काजल रसोई घर में चाय बनाने चली जाती है। ये बहू भी पागल हो गई है। ऐसा कहकर सास हमेशा की तरह सोफे पर बैठकर मैगजीन पढ़ने लगती है। तभी वो जोर से चिल्लाती है, मिल गया मिल गया। काजल बड़ी स्पीड से ड्राइंग रूम में आती है। क्या हुआ माँ जी, आप इतनी जोर से चिल्ला क्यों रही है, और क्या मिल गया माँ जी? मिल गया। अरे वही तो मैं पूछ रही हूँ, क्या मिल गया? मौका मौका मिल गया चोरी करने का। सच में? कहाँ, कब और कैसे? अरे कल मुही कमबखर सबर कर, आता पता कुछ नहीं, टांग अड़ाने पहले आ जाती है। अब पूछ ही लिया है, ओब्रॉय प्लेस में पार्टी है। ओब्रॉयज ने उनकी 30वीं सालगिरह की खुशी में कल शाम को उनके पैलेस में पार्टी रखी है, जहां शहर के बहुत ही नामी गिरामी लोग आने वाले हैं। लेकिन माँ जी उसमें हमारा क्या फायदा, बिना इनविटेशन हमें वो पैलेस के अंदर जाने ही नहीं देंगे। अरे पहले पूरी बात तो सुन, इस पार्टी में ओब्रॉयज ने अपने सभी एम्प्लॉयज को इनवाइट किया है। क्या सच में माँ जी? तो चलो आज ही हम शॉपिंग करने चलते हैं। हाँ बहू चल चल। ऐसा कहकर दोनों शॉपिंग करने मॉल में चले जाते हैं, और वहाँ उन्हें जो भी कपड़े अच्छे लगते हैं उसे वो चुरा कर अपने पर्स में रख लेते हैं। ऐसा करके वो खूब महंगे महंगे ब्रांड्स के कपड़े, जूते, ज्वेलरी, ऐसी कई सारी चीजें चुरा लेते हैं, और कोई उन्हें चोरी करते हुए पकड़े उससे पहले वो वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। मॉल से बाहर निकलते ही आज तो मजा ही आ गया सासू माँ, इतनी सारी चोरी करके। सही कहा तूने, चोरी करके दिल गार्डन गार्डन हो उठा। चलो अब घर चलते हैं, इससे पहले कि कोई मॉल के अंदर से आके हमें पकड़ ले। हाँ हाँ चल चल। ऐसा कह के दोनों घर आ जाते हैं। शाम को बेटा ऑफिस से घर आ जाता है। अरे माँ, काजल सुनो, एक गुड न्यूज है। यही ना कि कल शाम तेरे बॉस के घर पर एक ग्रैंड सेलिब्रेशन है। अरे हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? अरे जी वो माँ जी ने मैगजीन में पढ़ा था ना। तो चलें शॉपिंग पर? अरे नहीं, आज मैंने और माँ जी ने शॉपिंग कर ली है। अरे वाह, पार्टी के लिए इतनी खुशी, इससे पहले तो तुम दोनों सास बहू को इतनी खुशी से रहते हुए मैंने तो नहीं देखा। तो तू कहना क्या चाहता है कि सारा दिन झगड़ते हैं हम दोनों? हाँ लड़ते ही तो रहते हो तुम दोनों। हाँ बाबा ठीक है, चलो अब खाना खा लो सब लोग। उसके बाद सब खाना खाकर सो जाते हैं। दूसरे दिन शाम को जब सास बहू और बेटा तीनों पार्टी में जाते हैं तो उन्होंने वही कपड़े पहने होते हैं जो सास बहू ने मिलकर चोरी किए थे। हेलो सर, हैप्पी एनिवर्सरी। ओह थैंक यू सो मच अभिषेक, एंजॉय द पार्टी। या सर थैंक्स। उसके बाद सभी पार्टी एंजॉय करते हैं, और मौका पाकर सास बहू औरतों के गले से खूब महंगे महंगे गहनों को, पर्स से पैसों को चोरी करते हैं, साथ ही आदमियों के भी पर्स गायब कर देते हैं। और सब पार्टी एंजॉय करने में इतने ज्यादा बिजी होते हैं कि किसी को कुछ पता ही नहीं चलता है। फिर अचानक से एक औरत चिल्लाने लगती है, हाय मेरा डायमंड नेकलेस गायब हो गया, किसी ने मेरा डायमंड का नेकलेस चुरा लिया है। तभी मिसेस ओबेरॉय वहाँ आ जाती हैं। क्या हुआ मिसेस मल्होत्रा, आप ऐसे इतना चिल्ला क्यों रही हैं? क्या करूं, चिल्लाऊं नहीं तो, नेकलेस चोरी हो गया अभी अभी, पूरे 50 लाख का था। तभी एक और औरत बोल पड़ती है, मिसेस ओबेरॉय मेरे पर्स से भी पैसे चोरी हो गए हैं। मेरे भी डायमंड रिंग गायब है। अरे मेरी पॉकेट से भी मेरा वॉलेट गायब हो गया। What is this happening? अरे ऐसा कैसे हो सकता है, एक टाइम पर इतनी चोरियां। गार्ड्स मेन डोर लॉक करो, कोई भी बाहर जाने ना पाए। और कमला तुम यहाँ सभी औरतों के बैग की तलाशी करो, और राजू तुम आदमियों की। अब बेचारी सास बहू क्या करती, ये दोनों तो मानो बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ गए। काजल रुआसी होकर कहती है, माँ जी हम तो ज्यादा लालच में आकर फंस गए। हाँ बहू अब पता नहीं हमारा क्या होगा। इतने में ही कमला आके उन दोनों की तलाशी भी लेती है।
और वो दोनों पकड़ी जाती हैं। तभी एक आदमी कहता है, अरे ये दोनों औरतों ने तो मेरे मॉल के कपड़े पहने हैं, कल ही ये मेरे मॉल से चोरी हुए हैं, और भी बहुत सारा ब्रांडेड सामान चोरी हुआ था जो इन लोगों ने पहन रखा है। तभी अभिषेक को सारी बात समझ में आ जाती है और वो बोलता है, माँ काजल तुम दोनों से मुझे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, छी मुझे तो तुम दोनों पर घिन आ रही है कि तुम दोनों पैसों के लिए इतना नीचे गिर गए। बेटा हमें माफ कर दे, हमसे गलती हो गई। सर आप भी हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। हाँ प्लीज हमें माफ कर दीजिए। ऐसा कहकर दोनों गिड़गिड़ाने लगती हैं। तभी मिस्टर ओबेरॉय बोलते हैं, आप लोगों ने ये गुनाह किया है तो सजा आपको मिलेगी। राजू पुलिस को कॉल करो। सर हम अपनी सारी गलतियाँ सुधार लेंगे, हमें पुलिस में मत दो प्लीज। हाँ सर प्लीज प्लीज। मिस्टर ओबेरॉय हमें इन्हें एक चांस देना चाहिए। हाँ, अच्छा ठीक है, इस बार मैं इन्हें माफ कर दे रहा हूँ, लेकिन अब से तुम लोग ऐसा कभी भी कुछ नहीं करोगी, वरना सीधे पुलिस स्टेशन। शुक्रिया सर, अब से हम सुधर जाएंगे। शुक्रिया सर, अब से हम सुधर जाएंगे। ऐसा कहकर दोनों सास बहू ने अब तक जो भी सामान चुराया होता है वो सारा का सारा सामान लौटा देती है और अच्छे से रहने लगती है। इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि ईमानदारी की जिंदगी जिए बिल्कुल शरीफ बनकर, वरना ऐसे रास्ते पे चल के तो भाई बुरा होना ही है। आपको कहानी अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक करें, शेयर करें, और आने वाली कहानियों को देखने के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली कहानी आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। हम मिलेंगे आपसे अगली कहानी में, ठीक है? अपना बहुत ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।